हाय एवरीवन दोस्तों, फिर एक नई वीडियो लेकर आए हैं। वन प्लस नोट सी टू लाइट का फोल्डर चेंज करना है, देख सकते हैं बिल्कुल फोल्डर निकल चुका है टूट के। चलिए अब उसको पहले हम लोग बैक पैनल को हिट करेंगे अच्छा से। हिट कितना करना है दोस्तों आपको? 95-96 लगेगा आपको। फ़ोन हीट हो चुका है बैक पैनल, ताकि उस उतना हीट में खुल जाए बैक पैनल अच्छा से। तो आपको फ़ोन को उठा के बैक पैनल को खोलना है। खोलना कैसे दोस्तों, ध्यान में रखना है कि आपको पतला चीज़ से आपको रिमूव करना है, यानी कि खोलना है हल्का ब्लेड की मदद से। ब्लेड को साइड साइड से आपको बैक पैनल को डालना है, हल्का सा धीरे चलाना, जैसे देख सकते हैं हम चला रहे हैं इस तरह। देख सकते हैं दोस्तों इतना हम हिट कर दिए हैं कि बैक पैनल खुद ही गम यानी कि छोड़ दिया, कोई परेशानी नहीं हुआ है। अब इसको हम लोग अपने की ओर हम खींचेंगे बैक पैनल को, बिल्कुल गम छोड़ दिया तो बिल्कुल फ्रेश निकल चुका है बैक पैनल। और ध्यान में रखना कि नट खोलना है दोस्तों, खोलने समय ध्यान रखना है कि सारे नट को आपको खोलना है, क्योंकि ये वन प्लस नोट सी टू लाइट का रिंग खुलता है। ऊपर नीचे आपको नट को खोल लेना है। खोलने से पहले दोस्तों करना क्या कहा कि कैमरा हाउसिंग बोलते हैं इसको, ऊपर को कैमरा हाउसिंग को हटा लेना है, क्योंकि खोल लेना है। खोलने बाद क्योंकि यह हटाए कि कैमरा हाउसिंग के नीचे दो नट है, आप लोग पता नहीं चलता, इसलिए पहले कैमरा हाउसिंग को हटा लेना, ताकि ऐसा नहीं कि कैमरा हाउसिंग हटाए नहीं आप लोग लगे कि साथ में तो कबाड़, आप लोग निकाले तो कबाड़ दे, ऐसा नहीं ना, तो रिंग फिर बर्बाद हो। इसलिए आपको सबसे पहले कैमरा हाउसिंग को हटा लेना है, यानी कि खोल लेना। खोलने बाद आपको वहाँ का भी कैमरा हाउसिंग के नीचे जो नट है उसको भी खोलना है, ताकि इस तरह का कोई नुकसान ना हो दोस्तों। इस तरह आपको सारे नट को खोलना है, आस्ते आस्ते सारे नट को आपको खोलना है इसी तरह। इसके बाद आपको नीचे रिंगर बॉक्स है, आप लोग भी जानते हैं रिंगर बॉक्स, इनकी स्पीकर जो गाना बजता म्यूजिक, वो स्पीकर नीचे आपका ऊपर का नट है उसको भी आपको खोलना है धीरे धीरे इस तरह। खोलने बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको ब्लेड या फिर सिम खोलने वाला जो होता है ना पिन, पिन से भी खोल सकते हैं हम तो, ब्लेड से ही खोलते हैं क्योंकि मेरा आदत हो गया ब्लेड से ही खोलने का। तो ब्लेड की मदद से हम सिम ऑर्डर को यानी कि सिम ट्रे को खोल लेंगे अच्छे से। देख सकते हैं दोस्तों ब्लेड से निकल चुका है खोलने से। अब इसको पतला चीज़ से आपको साइड साइड से ओपन करना है रिंग को, और ज़्यादा प्रेस नहीं करना, दबाना नहीं यानी कि, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है यानी कि मुलायम होता है, इसलिए टूट जाएगा। इसलिए आपको ज़्यादा प्रेस नहीं करना, हल्का हल्का डाल के ओपन करना है। और ध्यान में रखना है कि दोस्तों कि बहुत आदमी से अक्सर होता है कि फिंगर में पत्ता को कट जाता है खोलने समय, तो ये अच्छी बात को ध्यान में रखना है कि रिंग खोलते समय आपको धीरे धीरे आपको ओपन करना। ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले आपको फिंगर में पत्ते को खोल लेना है। देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल हमने खोल लिया है, ताकि इस तरह कोई प्रॉब्लम ना। इसी तरह आप लोग को करना है दोस्तों, ताकि आप लोग से भी कुछ नुकसान ना हो। करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि बैटरी पत्ता और डिस्प्ले पत्ता को खोलने के बाद आपको बैटरी प्लास्टिक जो है ना खोल लेना है, बिल्कुल एकदम फ्रेश निकल चुका है। करने बाद दोस्तों क्या करना है, फोल्डर को फेंक देना है टूटा हुआ को। करने बाद दोस्तों आप लोग को अभी दिखाएंगे, वीडियो में हमारे बने रहें दोस्तों, हमारे वीडियो को एंड तक देखें, यानी कि हमारा वीडियो को आप लास्ट तक देखें, ताकि आपको समझ में आए दोस्तों कि कैसे कैसे करें स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप लोग को भी ऐसे काम करने में मज़ा आए। सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, फ्रेम को लेके कोई पतला चीज़ से आपको फ्रेम को एकदम बिल्कुल एकदम फ्रेश साफ कर लेना, जो भी ग्लू है गम है उसको आपको बिल्कुल एकदम फ्रेश कर लेना, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। प्लीज़ दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, ताकि आप लोग समझ में आए। ये नहीं बोले कि आप लोग कैसे किए हैं, इसलिए पूरा वीडियो को आप लोग देखिए, तब आप लोग समझ में आएगा दोस्तों। वीडियो बने रहें। करने बाद दोस्तों करना क्या है कि आप दिखा सकते हैं, दिखाएँ कि बिल्कुल फ्रेश हो चुका है, देख सकते हैं दोस्तों। करने बाद आपको करना क्या है कि दोस्तों जहाँ एयर स्पीकर है ना, एयर स्पीकर पर जाली है ना, वो उनका कचरा भर गया था, वो डस्ट भर गया, वो साफ़ नहीं, उससे एयर स्पीकर में आवाज़ बहुत कम आता था। अभी हम इस एयर स्पीकर न्यू डालेंगे, जाली इनकी एयर स्पीकर जाली आप लोगों को दिखाएंगे अभी हम डालेंगे तो अभी। और साइड साइड से फ्रेम का पेस्ट डालना है आपको हल्का हल्का, और ज़्यादा भी नहीं डालना और नीचे में नहीं गिराना है, ध्यान में रखना आपको दोस्तों। इसलिए आप लोग का मैं इतना जूम करके दिखा रहा, ताकि आप लोग को दिखेगा और आप लोग भी इसी तरह का काम करें, ताकि आप लोगों को भी काम करने में
अच्छा लगे। देख सकते हैं दोस्तों पेस्ट को तो लगा दिया, अब इसको दिखाएंगे आपको एयर स्पीकर जाली जो होता है ना उससे जो आवाज़ नहीं आता उसको न्यू डालेंगे। न्यू स्पीकर जाली मिलता है आप लोग पता ही होगा दोस्तों, अभी आप लोग को हम दिखाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों लगा रहे हैं, देख सकते हैं दोस्तों हमने स्पीकर जाली को बैठा दिए हैं, कुछ जूम करके दिखा रहे दोस्तों। बिल्कुल उल्टा सीधा भी आपको देख लेना है कि उल्टा नहीं है ना, सीधा करके आपको डालना है ताकि अगर उल्टा रहेगा तो टच अगर बैठाएंगे ना तो डिस्प्ले टूट सकता है या टच टूट सकता है, इसलिए आपको सीधा बैठाना है एयर स्पीकर जाली को। बैठाने के बाद दोस्तों करना क्या है कि जो फोल्डर है ना वन प्लस नोट सी टू लाइट, वो रियलमी 9 प्रो का भी फोल्डर लगता है इसमें, रियलमी 9 प्रो का वन प्लस में लगता है, वन प्लस वाला रियलमी 9 प्रो में भी लगता है, ये दोनों मतलब सेम फोल्डर लगता है, इसलिए आप लोग को ही बता दें, आप लोग को जानकारी नहीं होगा तो। दोस्तों करने बाद दोस्तों करना क्या है कि डिस्प्ले पत्ता का जो भी है ना प्लास्टिक गम को इसको भी हटा देना है। इसके बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको डाल के आपको धीरे धीरे बैठा देना है इस तरह, और बैठाने में दोस्तों करना क्या है कि आपको दोस्तों दबाना नहीं है बिल्कुल, इसी तरह आपको लेफ्ट राइट देख लेना, जैसे दायां बायां देख ले देख सकते हैं दोस्तों हम जैसे कि देख रहे हैं, आपको लेफ्ट राइट देख लेना किस तरह का कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। करने बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको जूम करके दिखा रहे हैं बिल्कुल, आप इसको रख के बैटरी को लगाएंगे, आप लोग को चेक करके अभी दिखाएंगे, वीडियो बने रहे दोस्तों। चलिए बैटरी पत्ता को खपा लिया और डिस्प्ले पत्ता को आप लोग को ऑन करके दिखाएंगे दोस्तों, अभी ऑन कर रहे हैं दोस्तों, देखिएगा आप लोग देख सकते हैं वन प्लस पावर बाय एंड्रॉयड। चलिए इसको पहले हम लोग रिंग को बैठा लेंगे, कसने के बाद आप लोगों को चेक करके दिखाएंगे कि काम कर रहा है या नहीं। इसके बाद करने से पहले सबसे पहले आपको दोस्तों फिंगर पत्ता को लगा लेना है, और रन ऑफ भी इसी में अटैच रहता नहीं कि दोनों साथ में ही रहता, इसलिए आपको पत्ते को लगा के इसके बाद रिंग को साइड साइड से हल्का हल्का प्रेस करना है दोस्तों। हल्का से प्रेस करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि सेट को उठा के हल्का हल्का आपको फ्रेम को यानी कि रिंग में बैठाना है, जो फ्रेम है ना फ्रेम वो रिंग जो है रिंग को फ्रेम में बैठाना है, हल्का हल्का पुश कर लेना। देख सकते हैं दोस्तों डिस्प्ले बिल्कुल भी काम कर रहा है, किसी तरह को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग को सामने जूम करके दिखा रहे हैं, देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल भी काम कर रहा है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख सकते हैं बिल्कुल काम कर रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों आप लोग का भी सारे नट को कस लेना है दोस्तों, इस तरह सारे नट को कसना है दोस्तों, और एक भी नट नहीं छोड़ना है, और जो भी नट कसेंगे दोस्तों पूरा टाइट से कसना है आपको, ताकि आप लोगों को भी पता है फ़ोन नट पे ही टिका हुआ है, इसलिए नट को एक भी नहीं छोड़ना है और सारे नट को कसना है और पूरे टाइट से, और एक भी नट को नहीं छोड़ना है, और रिंगर बॉक्स के नीचे जो है उसको भी नट को आपको कसना है पूरा टाइट से। पूरा एकदम उसी तरह आपको नट को कसना है, इसलिए हम वीडियो को थोड़ा हमारा दोस्तों लॉन्ग रहता है ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कैसे कैसे किए, अगर वीडियो काट देंगे तो समझ में आए दोस्तों कैसे कैसे किए, इसलिए वीडियो हमारा थोड़ा दोस्तों लॉन्ग रहता है ताकि आप लोगों को समझ में आए। चलिए दोस्तों करने से पहले आपको दोस्तों दिखाएंगे कि पेस्ट को लेके हल्का हल्का साइड साइड से डॉट 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 करके डालना है, आप लोग दिखा रहे हैं अभी हम जूम करके ताकि आप लोग को समझ में आए दोस्तों कि कैसे गम डाल रहे हैं। इस तरह आपको दोस्तों धीरे धीरे डालना है साइड साइड से, अब पेस्ट इतना ही डालना है ताकि बैक पैनल से बाहर पेस्ट ना आए, ताकि गंदा ना हो रिंग और बैक पैनल, इस तरह धीरे धीरे करने बाद दोस्तों करना क्या है आपको बैक पैनल को लेफ्ट और राइट यानी कि दायां और बायां देख के आपको बैक पैनल को बैठा देना है, इसी तरह धीरे से आपको करने बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको सिम ट्रे को
डाल देना है आराम से। करने बाद दोस्तों करना क्या कि आपको ऑन करके दिखाएंगे और अच्छे रबड़ मारेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जोर से ज़बर दबा दे दोस्तों, और एक लाइक भी कर दे ताकि हमारा वीडियो अपडेट मिलता रहे इसी तरह का, ताकि आप लोग वीडियो से कुछ सीख सकें दोस्तों। रबड़ मारने का स्टाइल है दोस्तों कि सिक्स रबड़ मारना है। सिक्स रबड़ कैसे मारना है, तीन लंबाई और तीन चौड़ाई, लंबाई में दो फोल्ड करना है, चौड़ाई में तीन फोल्ड करना है दोस्तों। देख सकते हैं एक फोल्ड, दो फोल्ड और तीसरा फोल्ड हो गया है। इस तरह आपको चौड़ाई में तीन तीन फोल्ड करना है, लंबाई में तीन रबड़ मारना है और दो दो फोल्ड मारना है, तीन फोल्ड नहीं होगा। इसलिए आप लोग को बता दे रहे दोस्तों ताकि आप लोग को किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। अरे आप लोग को चेक करके दिखाएंगे रबड़ मारने के बाद, ये रबड़ मारने के बाद भी काम कर रहा है या नहीं। कभी कभी होता है काम करना बंद करता है, इसलिए आप लोग को चेक करके देखें। देख सकते हो दोस्तों बिल्कुल भी काम कर रहा है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। देख सकते हैं बिल्कुल भी काम कर रहा है। देखिए वन प्लस नॉट सी टू लाइट। जय हिंद जय भारत।